साथियों अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। तो अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए अंकल। कोर्ट में वकील अगर जज साहब को मीलोड ना कहकर सीधे अंकल जज बुलाए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अदालतों में ऐसे अंकल जजों की भरमार है। इस अंकल जज कल्चर पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस समूह के जनसत्ता अखबार की वेबसाइट पर 26 अप्रैल को प्रकाशित खबर में खुलासा हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज सिर्फ चंद घरानों के हैं। वेबसाइट ने छापा है कि देश के सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में 33% और देश के हाई कोर्ट में 50% जज ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य पहले भी न्यायपालिका में ऊंची पोस्ट पर रह चुका है। अखबार ने मुंबई के वकील मैथ्यूस जे नेदुमपारा के हवाले से ये दावा किया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट और 13 हाई कोर्ट के सितंबर अक्टूबर 2014 तक के डेटा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद 31 जजों में से 6 जज पूर्व जजों के बेटे हैं। रिपोर्ट में 13 हाई कोर्ट के ऐसे 88 जजों की नियुक्तियों की जानकारी है जो या तो किसी वकील या जज के रिश्तेदार हैं या फिर उनके परिवार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका में किसी बड़ी पोस्ट पर रह चुका है। इसी तरह का खुलासा 2 साल पहले भी हुआ था। 24 जनवरी 2018 को दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक हाईकोर्ट में जजों का आसन खानदानी होता जा रहा है। इस खबर में जानकारी दी गई थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को एक सूची भेजी थी जिसमें 73 नाम जजों के रिश्तेदार और 24 नाम नेताओं के रिश्तेदारों के थे। भारतीय विधि आयोग ने भी 2012 में सौंपी अपनी 230वीं रिपोर्ट में हाईकोर्ट में अंकल जजों की नियुक्ति का जिक्र किया था। जस्टिस एआर लक्ष्मणन ने 2009 की अपनी विधि आयोग की रिपोर्ट में भी सभी अंकल जजों के तबादले की सख्त सिफारिश की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम के तहत होती है। संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक हाई कोर्ट या फिर लगातार 2 या उससे ज्यादा ऐसी अदालतों में वकील रहा है तो हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए उसके नाम पर विचार किया जा सकता है। अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि कोलेजियम सिस्टम के नाम पर न्यायपालिका में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों सिर्फ चंद घरानों के लोग ही जुडिशरी में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं देश की 85% बहुजन आबादी की नुमाइंदगी करने के लिए न्यायपालिका में बमुश्किल कोई जज कभी कभार नियुक्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।